चलें जोन किड्स की दो पोइम्स आई गई थी एक थी मैग मैरलिक्स तो ये एक वोमन है ओल्ड वमेन है पुअर वोमन है और जिप्सी वमेन है जिप्सी पीपल आर दोस्त हु डोंट गो विद द सोसाइटी सोसाइटी के जो सिस्टम्स हैं उनकी परवाह नहीं करते वो अपनी जो है सिंपलिसिटी अपने, अपने तरीके की वो लाइफ रहते हैं काम करते हैं बीक नहीं मांगते हैं काम करते हैं लेकिन उनकी लाइफ जो है डिड लाइव लाइफ है और, दे है। One thing is about them. और दूसरी पोइम जो हैं वो जो है पोइट जो हैं वो ये कह रहे है हैं कि नेचुरल ऑब्जेक्ट जो हैं देर लकीर दैन ह्यूमन बींग्स उनकी वजह यह है कि ना उनका कोई फ्यूचर होता है ना उनका कोई पास्ट होता है तो जो उनका प्रेजेंट होता है वो उससे रिलेटेड होते हैं और उनकी वही जो है वो, वो खुशियाँ होती हैं तो ये क्वालिटी जो हैं इन इंसानों में नहीं होती एट द सेम टाइम वो अपने प्रेजेंट में भी होते हैं और उसके साथ साथ उनको जो पास्ट होता है वो भी फियर क्रिएट करता है और उनको सेंस ऑफ डिप्रवेशन देता है और उसके बाद जो हैं फ्यूचर जो है उसका भी उन पर खौफ होता है लेकिन जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्री है नदी नाले हैं इनको ऐसा कोई एहसास नहीं होता एंड आर लकीयर इन दैट सेंस तो इसकी जो है पहली पॉइंट है आ, ये मैग मैरलिक्स मैग तो ये एक वोमन है जिप्सी वोमन है तो उनके बारे में है यहाँ पे हमारे यहाँ भी कुछ जिप्सीज यानी जो लोग खैमों में रहते हैं शहर के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं और ये लोग जो हैं सोसाइटी से कट होते हैं तो अक्सर जो है, तो है ना जो फ्यूचर प्रशन भी करती है वो देख कैन के एक उनका पैसे कमाने का एक जरिए होता है तो बार दे आर नॉट प्रोफेटिक वो प्रोफेटिक नहीं होते तो अब हम उनको ये दे आर नाट होली पीपल जिनको हम अपनी सोसाइटी में चंगड़ कहते हैं ठीक है उसको उठा के इस छोटी मोटी चीज़ें गदा रेड़ी पे और इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं या वो जो हैं जिप्सीज हैं वो तकरीबन आलमोस्ट हर सोसाइटी में ये होते हैं तो इनके कोई अपने ही अलहदा सेट रूल्स होते हैं ये जो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं ये उनको फॉलो नहीं करते हैं ना ही इनका कोई क्योंकि इनका कोई एड्रेस ही नहीं होता तो हो सकता है इनका कोई शिनाख्त कार्ड भी ना हो और ना ही अब जब ये बीमार होते हैं तो ये हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और इनको कोई मसला हो तो ये थाने में भी नहीं जाते हैं तो इनका जो है अपना सिस्टम ऑफ लाइफ होता है इनके पता नहीं कोई ग्रेवियड होते हैं कहाँ होते हैं कैसे ये अपनी जो है लाइफ को मेंटेन खाते क्या हैं करते क्या है करते क्या हैं तो दे आर वरी हम जो है इनके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा नहीं जानते हैं इसी तरह से जो जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उनमें जिप्सीज के नाम से यही लोग जो है वो पहचाने जाते हैं तो यहाँ पे वो जिप्सी वोमन है ओल्ड मैग शिवास जिप्सी यानी इसी तरह की इसी टाइप की ग्रुप की एक लेडी थी वो जिप्सी थी और वो ओल्ड थी एंड एंड लिफ्ट अपन द मूर्स मूर्स जो है वीराना में रहती थी यानी शहर में नहीं रहती थी शहर से बहुत दूर रहती थी हर बैंड इट वॉज द ब्राउन हैथ उसका जो है बेड जो है वो कुछ नहीं था यानी पत्तों से घास फूस से वो बनाया गया था एंड हर हाउस वाज़ आउट ऑफ डोर्स और उसके जो घर उसका जो घर था उसका कोई दरवाज़ा ही नहीं था एक्चुअली ये लोग जो हैं वो इस तरह की जैसी हमारी जो लाइफ होती है सिक्योर लाइफ होती है इनकी लाइफ इस तरह की नहीं होती अक्सर यहाँ पे भी आप देखें कहीं आपको को टेंट नज़र आए तो उसमें देखेंगे ये इनके ये होते तो यानी एक रिहाइश के लिए जगह तो बनाते हैं आ, इनकी बकरी होगी वहाँ पे और इस तरह के कोई उनका जो सिस्टम है बर्तन भी धोते हैं पकाते भी हैं रहते भी हैं उनके टेंट में एक चारपाई भी होगी उसे तक पंखा भी हो सकता है टी भी लगा होता तो है बाद का तो ये रहते तो इसी तरह से हैं तो इनका ये नहीं होता कि जैसे ये वूमन है ये जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि सोने के लिए बेड होता है बिस्तर होता है चारपाई होती है तो ये जहाँ पे कोई गत्ता मिल गया उस पर सो गए जहाँ पे कोई थोड़ा सा कंफर्टेबल कोई चीज़ घास ले ली तो जो भी चीप चीज़ें जो मिलती हैं उन्हीं से वो ये गुजारा करते हैं तो शी, शी वाज एन ओल्ड लेडी क्योंकि उसके सोर्सेज में नहीं थे कोई फैमिली वगैरह नहीं थी उसको कोई कमाने वाला नहीं था तो इस वाले शी वज़ ऑन हर ओन उसने खुद ही काम करना था और ओल्ड एज भी इनको जो है ज़्यादा परेशान नहीं करते कि उनका कोई कमाने वाला नहीं है तो वो रोने वाले रोने बैठ दें तो ये लोग जो हैं किसी न किसी तरह अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं मेंटेन करते हैं तो दिस इज़ वन एग्जांपल ये जो ये एक्चुअली ये दिस ओल्ड वमेन रिप्रजेंट हर ओन ये जो टाइप ट्राइब के जो लोग हैं उनको रिप्रजेंट करती है उनकी लाइफ को तो ये जो है अब हमने पढ़ा है कि एक ओल्ड वमन थी दूर खुले किसी शहर से बाहर कहीं रहती थी और मोर ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ कम ही कुछ झुकता है वीरान जगह को यहाँ पे मतलब है और वो एक टेंट में रहती थी एक घर में रहती थी जिसका दरवाज़ा नहीं था और उसके घर में कोई चारपाई नहीं थी कोई बेड नहीं था और वो यानी वो जो है बहुत अक्सर ऐसी सादगी से सो जाती थी जब उसको नींद आती जहाँ दिल करता पड़ जाती हार एप्पल्स वर स्वीट ब्लैक बेरीज उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो एप्पल खा सके लेकिन वहाँ से एप्पल के बजाय वो ब्लैक बेरीज़ खाती थी ब्लैक बेरीज हमारे यहाँ शायद जामुन को कहते हैं लेकिन ये एक फ्रूट है जो सस्ता होगा सस्ता फ्रूट जो है वो खाती थी लेकिन वो उसको इसी तरह से इन्जॉय करती थी जैसे अमीर लोग जो है सेबक सेब खाते हैं और इन्जॉय करते हैं यानी उसके जो हैप्पी फीलिंग्स में कोई कमी नहीं थी तो वो जो है वो खा लेती जो कुछ मुयसर था और खुश हो खाती हर कर, कुरंट्स पोर्ट्स आप, आप ब्रूम कुरट्स जो हैं ये एक किस्म खाने की चीज़ है जैसे बंद टाइप की चीज़ होती है लिपटी हुई तो ये कुरट्स जो हैं वो पार्ट ऑफ ब्रूम ब्रूम जो हैं वैसे तो झाड़ू को कहते हैं यानी तिनके होते हैं तिनकों का गुच्छा जो होता है वो उसी को खा लेती है अभी कोई घास वगैरह को सस्ती कोई मामूली सी चीज़ है जो जैसे शायद ही कोई एनर्जी मिलती हो बहुत कम एनर्जी जैसे मिलती हो कि वो उसको खा लेती थी यानी यूँ समझे रोटी की बजाय बोतिन के खाती थी हर वाइफ हर वाइन वॉस ड्यू ऑफ दी वायल्ड वाइट रोज अब उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो शराब पिए वो क्या करती थी या थी औस जो है पानी की पानी की जगह पे यानी ठंड छबनम के कतरे जो रहते हैं उनके इट गेव हर हैप्पी फीलिंग्स तो वो जब वो जो है उसको प्यास लगती तो वो शबनम के कतरे पी लेती जो कि वहाँ पे यानी वाफर होते थे गुलाब के फूल कहीं उगते तो या कोई भी फूल जो हैं उन पर जब ओस पड़ती तो वो जो रात को जो है वो पड़ती है सुबह के वक्त ठंडा ठंडा वो उनका एहसास होता तो वो उनको पीती हर ब्रुक आ चर्च या टॉम हर बुक आ चर्च या टॉम और उसकी जो किताब लोग से लोगों के पास किताब होती है पढ़ने के लिए तो वो दिए हैं किसको पढ़ती वो चर्च यार्ड में वो जब उनका फौत हो जाते हैं तो जो चर्च होता है उसका जो सहन होता है यानी उसका एक हिस्सा जो चर्च का होता है वहाँ पे वो कब्रें बनाते हैं कब्रस्तान बनाते हैं तो वहाँ पे किसी कोई कोई मज़ार होता कोई कब्र होती उस पर कोई कतबा लगा होता तो वो उसको पढ़ती तो ये उसका जो है टॉम जो था वो उसकी बुक तो होता उसकी जिंदगी की किताब कब्रिस्तान के मजदार थे नहीं नहीं उसकी ज़िंदगी की कोई किताब नहीं थी वो ऐसे ही जमीनिंग तो जहाँ मर्जी निकाल लें जैसे मर्ज़ी निकाल लें वो पढ़ते क्या थी वो यानी कब्रों के कतबे पढ़ती थी असल मस, असल बात ये है यानी वो नेचुरली वो किसी वीरान जगह में रहती थी किसी कब्रस्तान में से भी हो सकता है कब्रस्तान में भी रहती हो तो वहाँ पर जो टॉम्स वगैरह होते थे आ, उनके कतबे पढ़ती थी तो ये इस तरह से यानी उस, उसको किताबों से कोई गर्स नहीं थी तो जो भी उसको वो चीज़ मिल जाती आम थी कोई चीज़ पढ़ने वाली होती जिसको कोई नहीं पढ़ता वो उसको पढ़ती ये इसका मतलब है तो उसके बाद जैसे अभी उसने बताया खाने के लिए वो झाड़ू खा लेती थी जब भूख लगती और ये जब नम के उसने वो नेचुरली औस नहीं पीती होगी इसका मतलब होगा कि बच्ची खुशी खराब जो लोग टीन पी के फेंक देते हैं उसमें से जो थोड़ा बहुत बच जाता होगा शायद उसको टेस्ट कर लेती हो या कोई बर्तन किसी हल्की सी मामूली मामूली शी डिनाट हैव इनफ फॉर ड्रिंकिंग शी हैव इनफ फॉर ईटिंग एंड शी हैव इनफ टू अंडरस्टैंड लाइफ उसको ये भी नहीं होता था हम लोग लाइफ को समझने के लिए अखबार पढ़ते हैं टीवी देखते हैं एंड शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स उसकी जो वो जो लाइफ उन्हें स्टडी करनी थी उसके लिए वो जो भी मामूली चीजें होती उनसे वो हेल्प लेती वो उसके जो हैं शिव लिविंग ऑल अलोन हर ब्रदर्स अवर क्रैगी हिल्स क्रैगी हिल्स जो हैं आप बैरन हिल्स कह सकती हैं ठीक है अनप्लेजेंट हिल्स कह सकती हैं तो वो जो हैं हिल्स जो थी वो उसके बैंड भाई थे हर सिस्टर्स लारचन ट्रीज वहाँ पे एक टाइप ऑफ ट्रीज हैं लारचन ट्रीज हो सकता है ये भी खुश खूबसूरत ना हो तो वो जो है यानी पहाड़ियाँ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स थे इनसे उसकी ज़्यादा अटैचमेंट थी यानी इनके मौजूद उसको कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो उसकी फैमिली कोई नहीं है एंड शी इज़ लिविंग आर अलोन उसका ब्रदर कोई नहीं उसके सिस्टर कोई नहीं उसकी जो अटैचमेंट जो है गहरी अटैचमेंट जैसे कि इंसानों के आपस में होती है उसकी इन नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ थी अलोन अभी था ग्रेट फैमिली और वो अकेली ही रहती थी यानी अपनी इन्हीं बहन भाइयों के साथ शी लिड एज शी डि प्लेस और वो जैसे चाहती ज़िंदगी गुजारती जैसे दिल करता है लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश थी शी डिनर सेंस ऑफ डिप्रवेशन और वो रोती नहीं थी अफसोस नहीं करती थी नो ब्रेकफास्ट है शी मैन या मान बहुत अक्सर होता उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता सुबह के वक्त नो डिनर मैन या नॉन कई 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 दिन ऐसा होता कि दोपहर के वक्त तो उसको खाना नहीं मिलता नून तो वैसे डिनर तो शाम को होता है दोपहर को लंच होता है यानी शाम को नून दोपहर होता है वैसे लेकिन मैं अभी आफ्टर नून यानी सुबह को भी कई दफ़ा उसको सुबह का खाना नहीं मिलता कई दफ़ा उसको शाम को खाना नहीं मिलता एंड स्टेड सपर ये स्टेड जो है एक्चुअली इन स्टेड ऊपर कॉमन लगा हुआ है और सपर होता है यानी लेट नाइट ईटिंग जो है जो है लेट नाइट ईटिंग के बजाय वुड स्टेयर यानी रात के वक्त कई वक्त कैसे बहुत अक्सर रहता है किसी को भूख लगती है तो वो रात को देर से खाना बना खा लेता है बारह बजे एक बजे जब भी भूख लगती है तो उसको भूख लगती तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो जो है चांद का नज़ारा करती तो इससे अपना वो पेट भरती फुल हार्ड अगेंस्ट द मोन तो वो जो है चांद को देखती चांद का नज़ारा करती और इस तरह से अपना वो वक़्त गुजार लेती यानी उसका ध्यान बढ़ जाता तो वो जो है उसका टाइम वो भूख का टाइम गुजर जाता तो इस तरह से वो पेट भरती थी बट एवरी मॉर्न ऑफ वुड बाइन फ्रेश लेकिन हर सुबह जो हैं वो जो हैं ये कोई चीज़ है जिसे कोई बनाते हैं फ्लावर वगैरह हो सकता है मे बी दीज आर द फ्लावर्स वुड बाइन ये कोई फ्लावर्स होंगे ठीक है फ्रेश वो दादाजी हैं उनके साथ शी मेड हर गार्लैंडिंग तो वो उनके साथ अपना हार वगैरह जो है वो बनाती हार बनाती उसके बाद एंड एवरी नाइट शी एवरी नाइट दार्क ग्लैंड यू यू जो है ये एक दरख्त है तो ये भी जो है uh, उसी तरह की कोई चीज है यानी जो नेचुरल जैसे जा, घास है पौधे हैं पत्ते हैं है, इसी तरह की कोई चीज है ये इनसे भी चीज़ें बनाती शिवो एंड शी शी वुड सिंग अब देखें वो ये इस तरह से जो घास है, है वे होता है वो बनाना तो आगे भी मैट्स की तरफ उसका इशारा आता है तो वो जो है यानी बुनने का कोई को काम करती यूज की यहाँ से कोई पार्ट ऑफ द ट्री है उसको इस्तेमाल करते हुए तो वो जो है काम भी करती और गीत भी गाती रहती एंड विद हर फिंगर्स ओल्ड एंड ब्राउन उसकी उंगलियाँ जो हैं वो ब्राउन कलर की थी बूढ़ी थी शी प्लेटीड मैट्स और फ्रश रो हैं ये घास होती है लंबी घास होती है तो उसकी उससे वो मैट्स बनाती थी और एंड गेव दैम टू दी कॉटेजर्स और वो उन लोगों को देती जो कि कॉटेज में रह रहे होते थे यहाँ पे ये मेरे ख्याल में वो जो वो लोग जो उनको मैट खरीदने की ताकत रखते उनके पास पैसे होते थे यानी लोगों को वो बेचते थे जिनके घर होते थे एंड मैंट अमांग दुशिजी मैंट अमांग दुशिज यानी वो जो हैं उस इलाके में बुश तो वैसे जी जाड़ियाँ होती हैं तो उस इलाके में जो लोग होते थे तो उनको आ, वो जो हैं वो दे देती लेकिन ये रेफरेंस शायद इस तरह से भी है शायद वो उसका जो साजो सामान था बिकता नहीं था और आ, अमांग द बुश तो परिंदे होते हैं शायद उनको जो है वो कहती कि वो खरीदने या उनको बेचने की कोशिश करती यानी अपनी चीजें परिंदों को बेचने की कोशिश करती जो कि झाड़ियों हाँ, में झाड़ियों झाड़ियों में में रहते हुए कौन लोग रहते ही रहते हैं ना ठीक है लोग तो झाड़ियों में नहीं रहते वो इन लोगों को झाड़ियों में रहते जैसे इसने पहले ये पीछे पीछे ये बताया है उसने ये बताया है कि जैसे उसको भूख लगती थी वो चांद चांद को देखती रहती है अपना टाइम पास कर लेती यानी कभी डिस्करेज नहीं होती थी ये इसमें सबसे ग्रेट बात वो ये है यानी इतनी जैसी वो सिचुएशन बताई गई है तो अ पर्सन बिकम्स जी है डिजेक्टेड उदास हो जाता है डिप्रेस हो जाता है और uh, कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है तो वो जो हैं uh, रोने लग जाता है कि डज नाट फाइंड एनी वे आउट उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तो ये जो हैं ऐसी हाल जो हैं इसको कोई क्या डिप्रेशन होता ही नहीं था इसको कोई ऐसा एहसास ही नहीं था कि उसकी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं है अभी देखें ऊपर जो है वो काम करती और साथ गीत गाती तो इसका मतलब है कि वो उसको एक कोई एहसास नहीं था कि खुशी कोई कम भी कोई चीज़ होती है वो हमेशा खुशियों में ही रहती आ, लेकिन जो हमें जो लाइफ उसकी दिखती है दैट इज़ वेरी पुअर लाइफ वो हमें बहुत पुअर लाइफ जो है वो दिखती है क्योंकि वो आ, हमारी लाइफ से मुकम्मल तौर पर कंट्रास्ट में आ रही है वो बिल्कुल जो है गरीब है पुअर है अनसिविलाइज है अननेचुरल है बिल्कुल ही अपोजिट है ठीक है तो ये जो है लेकिन हम जो हैं हम हमें परेशानियां हैं हमें दुख है हमें वो सीधे महरूमियों के साथ है इसको कुछ था ही नहीं ओल्ड मैग वास ब्रेव एज अ मार्ग क्वीन वो कहते हैं ये अपने अपने अंदाज में ये क्वीन मार्गरेट थी ठीक है यानी ये पूरे इंग्लैंड की क्वीन थी ये यानी इतनी खुश थी कि शायद इतनी मार्गरेट क्वीन भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं रहती हो होगी जितनी ये औरत थी यानी जो अपने तौर पे जो खुशियां इसने क्रिएट कर रखी थी शायद कोइन भी ना कर पाती हो अपने इर्द गिर्द एंड टांग एज अमेजान ठीक है और ये जो है इसका रुतबा जो है अमेजन से भी ज़्यादा था अमेजोन मेरे ख्याल में वैसे तो ये रिवर है और बहुत शायद लॉन्ग रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट इसका बहुत रेफरेंस आता है शायद ये रिवर जो है किसी बुलंदी से पहाड़ियों से नीचे उतरता है तो मतलब ये कि ऐसी ये शानदार थी अपने आप में इसकी हुकूमत ऐसी थी यानी जै, जैसे कि अमेजन जो है रुतबा जैसे अमेजोन का है इसी तरह से इसका रुतबा जो है वो बहुत ग्रेट था अपने आप में ठीक है चूंकि इसको कोई कोई सलाम करने वाले नहीं इसको ये है ही अकेली तो जब है ही अकेली तो ये सब पर रूल कर रही है इर्द गिर्द हैं तो इसको जो है ये एहसास को नहीं है और किसी का खौफ नहीं है किसी का डर नहीं है तो इसी वाइट इंडिपेंडेंट एंड ओल्ड रेड ब्लैंकेट क्लोक शी अब उसको सर्दी लगती तो उसके पास एक फटा पुराना कंबल है जो वो पहनती ले लेती ऊपर ले लेतीड हैड शी ऑन और ये जो uh, कंबल जो था इसके ऊपर एक चिप लग चिप लगी होती यानी इसके ऊपर पैबंद लगे होते थे दूसरे किसी कपड़े के तो इट वाजरी पुअर यानी खराब हालत में ये कंबल था और इसी को वो ओढ़ लेती थी Um, आगे है गॉड रेस्ट हर एजेड बोन्स अब वो कहीं फोत हो गई है पता नहीं कहाँ पर अब वो ठीक है साम्भ है अब क्योंकि इन लोगों का कोई टिकाना को नहीं होता पता नहीं कहाँ है जिंदा है मर गई है यकीन मर गई होगी ठीक है क्योंकि पो इज रिमेम्बरिंग हर आफ्टर लॉन्ग टाइम शी डाइड फुल लॉन्ग अगोन अगोन का मतलब ऑल गॉन

यहाँ पे जो शकाम चौक है इससे थोड़ा सा आगे कई दफा सर्दियों में या ये ये गर्मियों में कपड़े धो रही होती हैं तो वहीं पर वो लटका रही होती है, तो जी जी। होती है दुनिया चल रही होती है अपनी परेशानियों तो में तो उनको कोई उनके बच्चे नंग दड़ंग बच्चे वहीं होते हैं वहीं वो वही वह कपड़े धो रही होती हैं वहीं बैठी होती हैं वहीं नहा रही होती हैं तो वो उनको कोई एहसास नहीं होता कि हम कोई उनको कोई परेशानी है या उन्होंने मुंह नहीं धोया उन्होंने हाथ नहीं धोया उनका घर नहीं है वो अपनी जिंदगी में खुश रहती हैं वो दुनिया के या तो दुनिया को वो समझती नहीं है या वो दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं जो कुछ भी सिचुएशन जिस सिचुएशन में उनको डाला जाता है वो उसमें उनको रहना मैनेज करना आता है जैसे इसकी एक और एग्जांपल जो मेरे जहन में आती है हम देखें स्नेक है वो एक पॉइजनस जानवर है, है जिस, जो कोई भी देखता है वो मैंने खौफ उस पर खौफ तारी हो जाता है लेकिन वो जो स्नेक स्नेक्स जिनको जो पालते हैं जो उनके साथ खेलते हैं उनको इस बात की को कोई परवाह नहीं होती कि उनके घर से या सेहन से कोई स्नेक निकल आएगा वो स्नेक की शामत आएगी अगर कहीं किसी कोई जोगी के घर से निकल वो उसको पकड़ के डब्बे में बंद कर लेगा फिर उसको जाने भी नहीं देगा तो ये जो है ये कर, जो लोग जिंदगी की ऐसी मुश्किल जो हैं अनहैप्पी सिचुएशन हैं जो लोग इनमें रहना जानते हैं उनको इसका कोई मसला नहीं होता यानी गुरबत हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है ख़ुराक का हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है लिबास का हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है और हमारे अंदर ही एक ऐसा तबका रह रहा है जिनको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं वो लातलक हैं जो चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं उनको जहाँ इनकी बिल्कुल परवाह ही कोई नहीं है अब हमें यह मसला होता है हमारी गाड़ी का मॉडल पुराना हो गया है हालांकि वो चल भी रही है बहुत कुछ है और जो है लेकिन इनको जो है इनको ये हालाँकि इनको ये भी पता है कि इनकी चार पांच नस्लें भी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगी तो फिर भी जो है इनको कोई एहसास नहीं होता फिर भी वो अपने लाइफ में अपने वो खुदा रेडी पे बैठ के बड़े खुश होती हैं उनकी चिंचियाँ होती हैं और इस तरह की और कभी कभी कभार तो इनके पास मोटरसाइकिलें भी होती हैं तो ये जो दे आर वेरी हैप्पी अपनी लाइफ जो है वो बहुत ना बहुत ऊंचा सोचते हैं तो ना बहुत दुखी होते हैं तो इनकी एक अपनी लाइफ होती है इसी तरह से ये एक जिप्सी वो मैंने हम देखें उसके पास ख़ुशी की कोई भी चीज़ नहीं है यानी जिसको हम खुशी कहते हैं वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेकिन उसके पास बहुत खुश खुशियाँ भी हैं वो जो चीज़ें उसको ज़रूरत होती हैं जैसे उसको पहाड़ों की जरूरत है वो अकेले वो है तो वो अकेली ही लेकिन वो, वो, उसको इसका एहसास ही नहीं क्योंकि पहाड़ हैं दरख्त हैं उसके पास काम है काम भी ऐसे हैं कि जो कोई उसको कोई खरीदता ही नहीं हैं शायद जिसको ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते लेकिन फिर वो फिर भी वो काम करी जा रही है फिर वो गीत भी गा रही है साथ साथ तो इज लिविंग ए हैप्पी लाइफ वो उसका कहने का शायद मतलब इनडायरेक्टली शायद किड्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिन चीज़ों को हम खुशियाँ कहते हैं एक्चुअली इनके कोई मीनिंग नहीं होते ये किसी को ये हमने ही इनको इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है कि वो हमें इतना डिजेक्टेड कर देती हैं और हमें ऐसे लोगों से भी सबक लेना चाहिए जो कि दे हैव द मैनर्स ऑफ लिविंग हम ये कहते हैं कि दे डोंट हैव द मैनर्स ऑफ लिंग इनको तो रहने का उठने बैठने का तरीका से लिखा नहीं है और और सच्ची बात यह अगर हम उन जैसी किसी खुदा ना करें किसी ऐसी कंडीशन में हो जाए तो हमें तो हम तो ये दो दिन में मर जाएं तो इसका मतलब है दे नो हाउ टू लिव उनको जो है इतनी महरूमियों में जिंदा रहना ये? आता है तो वो मैनेज कर लेते हैं दे आर मैनेजिंग लाइफ इज़ नॉट एन आइडियल वन मैं ये नहीं कह सकता कि वो हमारी जगह नहीं हो सकते हम उनकी जगह नहीं हो सकते तो ये डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग है तो ऐसे भी लोग होते हैं और बहुत अक्सर जो जिप्सिस पे बहुत सी जो है पोएम्स लिखी गई हैं और इनको ट्रिब्यूट किया पे किया गया है और एक भी पोएम जो है वो देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छी फिलोसफी भी है आप ये देखें इतनी महरूम में खुश रहना रहने का ये पोए सबक हमें बता रहा है कि ऐसा भी होता है और हमें ऐसा यकीन नहीं अपनाना तो नहीं चाहिए लेकिन द वे ऑफ लिविंग दीज पीपल दे नो दैट तो हाउ टू लिव हैप्पी वो कह तो हमारा इसका भी मसला ये है कि ये इसको पोर को हैप्पी रहना नहीं आता और ये कहते हैं दर दर्थ, को हैप्पी रहना आता है परिंदों को हैप्पी रहना आता है और जो ब्रुक्स हैं वो हैप्पी हैं लेकिन इंसान जो हैं उनको हैप्पी रहना नहीं आता इंसानों से मरा उसकी अपनी जात है अच्छा जी हम ये पोइम जो है इसकी बैकग्राउंड देखें और इसकी जैसे किड्स हैं वो खुद डिप्राइव्ड है उसको कोई खुशी नहीं मिली हुई इसी तरह से इस मोमेंट को भी कोई खुशी नहीं मिली हुई लेकिन वो डिस्ट्रेस्ड है यहाँ तक कि वो जल्दी मारी गया तो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग सब कुछ जो है वो फीलिंग से मतलब है वो कैसे हैं मैंने आपको एक शुरू में बताया भी था कि हमारी लाइफ जो हैं ये इसकी बेस हैं वो फीलिंग है और फीलिंग जो हमारा एक मूड डेवलप करते हैं तो ये ऐसे जो ऐसे फीलिंग्स जो इंसान को उदास करते हैं परेशान करते हैं डिजेक्ट करते हैं उनसे ये लोग जिप्सी वमर जो हैं बड़े एक्सपर्टली उनको अवॉइड कर जाती हैं वो बातें जो दुखी करने वाली हैं उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देती वो सिर्फ उन चीज़ों को देख रही है जो उसको मदद देती हैं लें जी और आ, उसके बाद आ, हम आते हैं जी ये बड़ी एक किस्म की किड्स की पोइम है इसमें वर्ड्स वर्स ने तो ये कहा था कि हम जो है जब हम उदास होते हैं परेशान होते हैं तो हमें जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनके पास चले जाएँ तो हम अपना काम भूल जाते हैं परेशानी दुख जो है वो भूल जाते हैं हम बहुत अच्छा फील करते हैं यानी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के करीब होकर और उसके उसने कि उसके लिए उसने एक लंबी पोइम भी लिखी थी बड़ा उसने फिलासफी भी उसने पेश की थी लेकिन कीट्स जो हैं वो ये नहीं कहता कि हम अगर इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के पास अगर आएंगे तो किन के करीब रहेंगे तो हम बहुत खुश होंगे वो भी एक जो है वर्ड्सर्स भी एक रोमांटिक पोइट है वो अपने अंदाज से हैं और कीट्स भी एक रोमांटिक पोइट है लेकिन इसका जो फिलासफी अबाउट जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है अब ये जो है आ, ये कहता है पहले जो है में वो एक दरख्त से बात करते हुए कहते हैं तो कहते हैं दिसंबर कहता है, का महीना है और बेरंग सी शाम है यानी इसमें कोई खुशी देने वाली नहीं है उदास उदासियां बखेरने वाली रात है ये दिसंबर के टू हैप्पी हैप्पी ट्री और इसमें दरख्त जो है जब सर्दी के मौसम में दरत जो होते हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं शाखें रह जाती हैं तो वो कहते हैं ये इस दरख्त को कोई एहसास नहीं है कि सर्दी आ गई है कभी इसने ये सोचा नहीं है कि ये इसके ऊपर कभी पत्ते थे इस मौसम में बाहर का मौसम था परिंदे इस पर बैठते थे चहकते थे, थे, थे यानी खुशी का एक समा होता था अभी इसको कुछ याद नहीं है यानी यही इसमें वो करेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है इसमें वो अबिलिटी नहीं है ही कैन ये कॉल द पास्ट दरख्त जो है अपना माजी को जो है वो रिकॉल नहीं कर सकता फ्यूचर के लिए फ्यूचर को भी नहीं देख सकता वो प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो इसी में ही है तो वेरी मच लाइक जिप्सीस वमेन जो हैं अच्छे mm. से थोड़ा सा डिफरेंस भी है तो ये हैं, आ, आ, जो है जो दरख्त है इसको अपनी परेशानी का कोई एहसास नहीं है जो कुछ भी सिचुएशन है ये उसमें है अच्छी है या बुरी है दैट इज़ हिम दाई ब्रांचेज नेवर रिमेंबर वो कहते हैं से मुखातब होते कहते हैं तुम्हारी दरख्तों को तुम्हारी शाखों को याद नहीं पड़ता एन ये याद नहीं कर पाती हैं दिए ग्रीन फ़िलिसिटी फ़िलिसिटी जो है लिबास हैं ब्यूटीफुलनेस है तो टाइम था दरख्त पर पत्ते थे ये ग्रीन फ़िलिसिटी थी इस पर तो वो जो है दिसंबर ने वह सब ख़त्म कर दिया है लेकिन दरख्त वो बात याद ही नहीं पड़ती तो लिहाजा अगर याद पड़ेगी तो यह दुखी होगा तो इसको याद नहीं पड़ती तो ये लकी है इंसान तो इस तरह नहीं कर सकते हैं दे नॉर्थ कैनॉट अन डू दैम ठीक है आप नॉर्थ जो है आ, हो सकता है नॉर्थ की हवाएं हैं ठीक है, है? हाँ यहाँ पे यही मेंशन है दी नॉर्थ कैनॉट अन डू दैम ये ठंडी हवाएं जो हैं वो सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकती हैं यानी वो जो है इसको याद नहीं करा सकती हैं के वो स्प्रिंग के बारे में विद सीटी थ्रू दैम हमारे इसमें से गुजरती हैं आवाज़ पैदा होती है सीटी की सी आवाज़ पैदा होती है ठीक है नार फ्रोजन ग्लू दैम और ये जो हैं वो कहते हैं कि ये दरख्त जो हैं वो दिसंबर को भी भूल जाएगा अब ये इसके जो हैं बिल्कुल सारी जो इसकी जो खूबसूरती है वो सारी ख़त्म हो गई है अब ये ठंडा पड़ा हुआ है बर्फ बना हुआ है तो जब ये मौसम बदलेगा तो ये इसको भी भूल जाएगा फ्राम बडिंग एट द फ्राइम ठीक है तो अब ये हैं कि दरख्त था एक टाइम था इस पर बडिंग थी और ये बहुत खूबसूरत था इसको वो सब कुछ याद नहीं पड़ता है कुछ भी जो हो चुका है यानी जो अब ये जैसे कि इसकी स्वत ख़राब हालत है इसको याद भी नहीं पड़ेगा और इसको कोई चीज़ अंडू नहीं कर सकती यानी नथिंग कैन टेक द ट्री बैक टू द समर ंग जो है तो इसको जो है वो पास्ट हैप्पी मोमेंट्स में नहीं ले जा सकती मतलब इसको वो मुमकिन ही नहीं है इसको जो है वो इसमें आ, इसको अपनी वो पुरानी खुशियाँ जो हैं या खुश रंग सिचुएशन इसकी जो हालत थी वो इसको याद पड़े तो ना वो याद पड़ेगी ना ये उदास होगा तो ये जो है इनडायरेक्टली ट्री इज लकियर ट्री कैन नॉट रिकॉल इट्स पास्ट

लेकिन इस तरह का जो है हाँ आठ लाइनों का स्टैंडा नहीं ये जैसे स्टैंडे बनाए हुए हैं या डिसंबर रिमेंबर, ट्री फिलिसिटी, तो ये एक स्टैंडा तो बनता है ठीक है अब नॉर्थ यहाँ पे देम देम, देम प्राइम हेलो प्लीज सर कॉल आके तक होल्ड कीजिएगा हलो अच्छा मैं देखता हूँ बार अच्छा जी वो, पता नहीं, हो गया था वो तरफ्षा आ, चलें ठीक है वो मैंने पहले स्ट्रेंद उसी पे बात कर रहा था, था तो ये जो है अब दिसंबर जो है जब आता है तो दरख्त जो है उसको उसके सारी जो है पत्ते गिर जाते गिरे हुए होते हैं शाखे रह गई होती हैं उसको उसका समर जो है वो याद नहीं पड़ता कि वो कभी खूबसूरत हुआ करता था उसके पत्ते हुए करते थे अब वो जो है वो उसके मुकाबले में अब उसकी हालत बड़ी ख़राब है ये फ्रोज़न जो है उसके यानी उसको बिल्कुल सर्दी जो है, है उस पर उसके गहरे असरात हैं उस पर मतलब उसको आलमोस्ट लाइफलेस किया हुआ है तो ये एहसास जो है वो दरख्त को नहीं है ठीक है तो ये एहसास सिर्फ इंसानों को होता है यह दरख्तों को पौधों को इन चीज़ों का कोई एहसास नहीं होता तो दैट सेंसर ट्री इज़ लकीर दैन ह्यूमन बींग्स ठीक है जी इस पोएम में यह मैसेज दिया था तो मैं इसके फॉर्म के हवाले से बात कर रहा था तो इसमें उन्होंने बताया कि ये एक स्टैंडा है स्टैंडा वन लिखा हुआ है तो स्टैंडा वन इस तरह से अभी देखें इसकी जो है रैमिंग स्कीम से हमें अंदाजा होगा कि ये स्टैंडा है कि नहीं अब ये देखें ये जो है रिमेंबर कि पहली लाइन के साथ तीसरी लाइन राइमिंग हो रही है और दूसरी जो है उसके साथ फोर्थ लाइन जो है वो रैमिंग हो रही है तो ऑलमोस्ट एक स्टैंडा जो है तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है इसी तरह से देम है और ये थर्ड लाइन से राइमिंग हो रही है और ये सेकंड लाइन या फोर्थ लाइन से राइमिंग हो रही है तो वी कैन से दीज आर टू स्टैंडर्स ठीक है हम इनको दो स्टैंडर्स कह सकते हैं लेकिन इन्होंने कहा कि ये इसमें इसके तीन पार्ट्स हैं थ्री पार्ट्स हैं जो कि ए लाइन सर लेकिन नॉट कैन नॉट अंडू देम तो इसकी सेकंड लाइन से भी तो देम है हां ऐसे ही है इसमें दे, वो डैम है और आगे प्राइम है ठीक है एक्चुअली देम और प्राइम आपस में राइमिंग नहीं हो रहे एक तो ये हो सकता है कि ये तीन लाइनें इसने राइमिंग दी हैं ठीक है तो ये अगर तो ये स्कीम जो है इसकी आगे चलती है लेकिन मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि पहली लाइन तीसरी लाइन से राइमिंग है दूसरी लाइन चौथी लाइन से रामिंग है तो आगे हम पढ़ते हैं देखते हैं अभी यहन में रखिएगा कि इसी बाद तीन लाइने रैमिंग है और एक लाइन जो है वो रैम्ड नहीं है ऐसा होता तो नहीं है फिलिसिटी और प्राइम ये देखें कहीं भी ये लाइन अगर इसको प्राइम करके पढ़ा जाए तो ये कहीं भी जो है रैम नहीं हो रही है तो थोड़ी बहुत साउंड को जो है वो चेंज कर लेते हैं पढ़ते वक्त राइम राइम जो है वो बना लेते हैं तो वे सी नेक्स्ट स्टैंड जो हम देखते हैं उसकी जो है अब ये जो है फ्लैटिंग टाइम हाँ जी ये बिल्कुल सही कह रहे जी एक स्टैंड है अब ये प्राइम जो है एंडिंग लाइन जो है इसकी पहले स्टैंड की एंडिंग लाइन और दूसरे स्टैंड की एंडिंग लाइन ये जो है ये राइमिंग है और शायद तीसरे स्टैंड की भी आखिरी लाइन जो है ये भी है हैं राइमिंग है तो इसकी जो है दिखा जो राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी ए बी उसके बाद सी 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 और डी है ठीक है इसकी जो स्टैंड की जो, जो स्टैंड बनाए हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी ए बी आर सी सी डी इस तरह से इस तरसीब से उसने राइम स्कीम बनाई है चले अब ये जो हमने इसने पहली स्टेंसा में जो इसने आ, बताया है कि ट्री जो है वो लकीर है उसी अंदाज से ये कहता है कि जो ब्रूक जो है जो कि नदी पहाड़ी पहाड़ी नाले होते हैं नदी होती है तो ये भी जो है ये द ह्यूमन बींग्स क्यों है कि इस पर भी जो है वो आती हैं इन नाइट दिसंबर अब ये सर्दी का मौसम है ठीक है जैसे कि ये उसके लिए दरख्त के लिए था अब वो नदी नाले के लिए ये कि सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में क्या हालत है पानी फ्रोजन हुआ हुआ है पानी चल नहीं सकता इस पर ठंडी हवाएं हैं ठीक है कि नहीं तो इसकी जो रनिंग नेचर जो है और जो इसकी वो जो इसके गुनगुनाने की नदियों यानी पत्थरों के साथ जब ये गुजरता है तो

तो ये कहते हैं सर्दियों का मौसम है बेरंग सा दिसंबर की रात है दिसंबर की एक रात है यानी ठठरा देने वाली रात है तो इसमें ऐसे मौसम है, जो कि अनप्लेजेंट नाइट है यानी इंसान की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई होती हैं इतनी सर्द मौसम में तो वो कहते हैं ट्री जो हैं जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था इस पर पत्ते हुआ करते थे ये अब नहीं है लेकिन इसके बावजूद ये ट्री जो हैं टू हैप्पी हैप्पी ट्री दरख्त जो है वो खुश है वो खुश इसलिए है कि उसको उसका माजी याद ही नहीं पड़ता उसको ये याद ही नहीं पड़ता कि वो कभी बहुत खूबसूरत था उस परिंदे बैठते थे गीत गाते थे उसकी टहनियाँ होती थी उसके पत्ते होते थे फूल खिलते थे फल लगते थे तो इस दरख़्त को ये एहसास ही नहीं है वो जो है यानी इसकी ट्री हैज़ नो मेमोरी इसको इसकी याददाश्त तो होती ही नहीं है तो इंसानों की याददाश्त होती है वो याद करते हैं हम यूं बड़े खुश हुआ करते थे, थे हमारे पास ये चीज़ हुआ करते थी अब नहीं है ये खुशी हुआ करती थी अब नहीं है तो हम इस बात से हम दुखी हो जाते हैं हमारा सिस्टम जो है, है पौधों का सिस्टम से डिफरेंट है या यूं समझे पौधों का सिस्टम जो है वो हमारे सिस्टम से डिफरेंट है बल्कि बेहतर है क्योंकि इनको तो कोई इन को इनको तो किसी तकलीफ़ का कोई एहसास ही नहीं है जो गुज़र गए इसको गुजर गए अब जो है इस हालत में जो कि दिसंबर है यानी इस दिसंबर में भी ये दरख्त नॉर्मल है इसको कोई गिला नहीं है कोई शिकवा नहीं है ये रो नहीं रहा ठीक है कि हालांकि इसकी हालत ये है कि इसके ऊपर बर्फ़ छा गई है इसकी ब्रांचें बैर हैं उन पर कोई पत्ते नहीं हैं ठीक है इस पर कोई जो है वो परिंदे नहीं बैठे हुए इस पर कोई जो है ग्लैरियाँ नहीं चल फिर रही हैं कोई एक्टिविटी नहीं है तो लेकिन इसको कोई एहसास ही नहीं है क्योंकि इसको याद ही नहीं पड़ता कि ये कभी ये तो समझता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही था यानी ना इसका कोई पास्ट है ना इसका कोई फ्यूचर है तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट द ट्री दीज लक अगर ये हमारा भी इंसानों का ना पास्ट हो ना फ्यूचर हो तो शायद हम भी ऐसे रहें हमें भी दुनिया एक जैसी दिखाई दे हाँ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ वेंड्स ठीक है नॉर्थ वेंड्स जो बहुत कोल्ड होती हैं तो वो दरख्त की में से गुजरती हैं तो साए साए करती हैं यानी आवाज़ या पैदा होती है जब उसके रास्ते में या टहनियाँ आती हैं दरख्तों की तो वो जो है सनातती हुई वहाँ से गुजरती है तो वो जी है, आ, जो हैं हवा जो गुज़र रही है थाइंग ग्लू डैम अब ये जो है बर्फ़ जो है वो भी इसको यानी जमा कर नहीं रख देगी कि इससे इसकी, इसकी खुशियाँ परमानेंटली नहीं छीन लेगी तो वो जो हैं ये दरख्त जिस मुश्किल हालत में इस वक्त गुजर रहा है ये परमानेंट नहीं है इसने भी गुजर जाना है ठीक है फिर वक्त आएगा फिर बडिंग होगी एट द प्राइम फिर कोई अच्छा वक्त आएगा आप ये फिर जिया खूबसूरत हो जाएगा लेकिन दरख्त को ये एहसास नहीं इसका माजी कैसा था और इसका मुस्कबिल कैसा होगा जैसे ये वक्त है वो वैसा है अन डू नहीं कर सकती इसको याद नहीं करा सकती दरख्त को के दैर वेरी ठीक है और ना ही इसको ये एहसास दिलाया जा सकता है कि आइंदा कभी वक्त किसी वक़्त में फिर दोबारा बर्डिंग होंगी यानी कोई अच्छी उम्मीद हो फिर इंसान जो है किसी गुड होप की आ, मदद के साथ इंसान जो है हौसला जो है वो आप कर सकते हैं लेकिन इस पोइट को इसके पास से ये दोनों चीज़ें नहीं है हैं समझता है कि इस वक्त जो भी उसकी मौजूदा हालत होती है वही होती है उसी का ये उसको एहसास है बाकी इसको कोई एहसास नहीं तो ये इस लिहाज से ये जो है ये लकी है ना ये याद करते हैं कुछ ना इनकी मेमोरी है ना ये प्लान करते हैं तो लिहाजा ये जो है ये डकिय रहे हैं हम डिफरेंट द्यूमन बींग उसके बाद वो हैं सेकंड जो मैंने अभी बताया तो यही बातें हैं वो नदी नाले की वो बताते हैं ये जो ब्रूक है इसकी भी हालत बड़ी खराब है तो सर्दी की वजह से इसका पानी जम गया हुआ है क्रिस्टल बन गया हुआ है ये चल नहीं सकता ये हालांकि नदी की जब ये चलती है तो खुशी का एहसास देती है अब ये फ्रोजन हुई पड़ी है ठीक है अब ये चल नहीं पा रही है लेकिन इसको भी कोई एहसास नहीं इसको नहीं पता कभी वंस इट वॉज रनिंग जब समर था तो ये पानी बहता था आवाज़ें पैदा करता था गीत गाता था ठीक है कि नहीं अब देट हैप्पी टाइम इज गॉन पानी का चलना खुशियाँ मनाना अटकेलियाँ करना उछलना कूदना ये सारे मूवमेंट जो हैं उसके साथ रिलेटेड हैं तो ये जो हैं ये नदी है, जो हैं जो कि फ्रोजन है इस वक्त ये पे हाँ भी जो है उसने पहले वाले स्टैंड वाली लाइन जो है वो रिपीट की है एट द ड्रेर नाइट इन दिसंबर यानी दिसंबर जो है जो बेरंग कर देता है इसका एक ही रंग होता है वाइट स्नो का रंग होता है तो इसने सारे रंग जो हैं वो छीन लिए हैं सारी खुशियाँ छीन लिया सारी मूवमेंट्स इसने रोक दी हैं तो ये पे यही सारी कैफियत भी है यानी महरूमी की जो हालत है वो इस वक्त नदी की भी है तो इसको लेकिन इसको याद ही नहीं इस ये ब्रूख है इसको याद नहीं पड़ता वन सीट वस रनिंग ये कभी दौड़ा करता था तो ये जो है इन दैट सेंस दट दिस ब्रूक इज़ आल्सो वेरी हैप्पी फॉरगेटिंग uh, ये कहता है कि ये फॉरगेटिंग गेटिंग इसकी जो नेचर ऑफ़ फॉर गेटिंग है यानी इसकी तो आदत है इसको तो याद ही नहीं पड़ सकते तो हर चीज़ भूल जाता है उसकी वजह से दे सटे दे क्रिस्टल फ्रेटिंग तो वो जो है सारे जो इसकी जो मौजूदा जो कंडीशन है क्रिस्टल फ्रेटिंग यानी इसकी जो हालत हुई है जो बर्फ बनी हुई है और जो आ, फ्रेटिंग होते हैं वैसे हौसला तोड़ने वाली आ, गम, गम जो है वो तारीफ करने वाली है तो इसकी जो क्रिस्टल फ्रेटिंग है यानी ये इसकी जो मौजूदा हालत है आ, इसको ये एहसास ही नहीं है नेवर नेवर फ्रेटिंग वो इसको बिल्कुल परेशानी नहीं करती इसके लिए कोई मसला ही नहीं है अमंग अबाउट दी फ्रोजन टाइम ये जो फ्रोजन टाइम है इसको इसको कोई एहसास नहीं है इसको ये पता है कि है, इसने ऐसा ही रहना है सारी जिंदगी ठीक है, कि नहीं? तो ना इसको माज़ी याद है ना इसको फ्यूचर का कोई एहसास है तो लिहाजा अगर है, नहीं है तो है, है? यानी अगर वो अगर जमा हुआ है, तो इसके सारी चीजें भी तो फ्रोजन है ठीक है तो इसको

अच्छा चले वो जो है उसके उर्दू में नोट्स मिल जाते हैं आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उर्दू के नोट्स पढ़ लें ठीक है वो छोटी सी टर्मिनोलॉजी होगी टर्मिनोलॉजी उर्दू में जरा जल्दी समझ आ देगी आपको कंसेप्ट क्लियर कर लें बेसिकली अब मुझे जो वो क्या कहते कह हैं कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वो मुझे आ, समझ नहीं आ रहे थे तो मैं किसी से सीखना समझना चाह रही थी मसलन कौन सा मेरे ख्याल आपकी कोई मतलब आप टीचर हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई टीचर ऐसा हो

अः तो स्टैंडर्ड टू भी है वो कहते हैं कि ये जो तो याद कुछ नहीं करते हैं थर्ड स्टैंड में इसमें इस वो बात नहीं है वो किसी को लकी कहता हो अब ये अपनी डिस्ट्रेस्ट कंडीशन बताता है अब आप दी ठीक है कहते हैं हम इंसान जो है हमारा हाल क्या है आह अफसोस करता है अफसोस का साइन है ये आह

ठीक है जैसा ये सिचुएशन है ये ट्रीज के साथ है ब्रूक्स है नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ है यानी वो नहीं याद, याद कर पा याद कर पाते हैं अपना जो पास्ट है और फ्यूचर जो है दे आर अनअफेक्टेड बाय द पास्ट एंड फ्यूचर तो ये जी है, जी। जो है काश हम जो इंसान हैं हमारे साथ भी ऐसा भी होता बट वर देर एवरी एनी एवर एनी क्या कभी कोई ऐसा हुआ है uh, read, रीद नॉट आ पास्ट जाए क्या कभी ऐसा हुआ है किसी को क्या क्या कभी गुजरे हुए किसी खुशी की के खो जाने की तकलीफ नहीं हुई कि ऐसा कोई है जिसको जो. ना हुई हो यानी उस कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको किसी खुशी के महरूं, से महरूम होने की तकलीफ ना होती हो जो. तो हम सब इंसान जो हैं हम अपनी खुशियों को याद करते हैं ठीक है तो हमारे जो जॉयस हैं जो, है, जो ख़त्म हो गए हैं जो पास्ट हैं हम उन पर जो अफसोस करते हैं हम दुखी होते हैं तो हम कभी ऐसा होता नहीं है कि किसी को उसकी खोई हुई खुशी का एहसास ना हो द फील ऑफ नॉट टू फील इट यानी हमें वो एबिलिटी नहीं है कि हमने कुछ फील की हो और फिर ऐसा हो जाए कि जैसे हमने उसको फील ही ना किया हो यानी मतलब यह है कि हम अपने माजी को नहीं भूल सकते हम फील को अनफील नहीं कर सकते ठीक है तो ये चीज हमें वो खसूसियत नहीं है वैन देर इज़ नन टू हील इट जब ऐसा है कि कुछ भी हमारी मदद नहीं कर सकता हमें जो दुख है जो महरूमियाँ होती हैं हमें जो मेमरीज होती हैं वो हमें दुखी करती हैं इसका कोई इलाज नहीं है नो नम्बड सेंस टू सच इट ऐसा कोई एहसास नहीं है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ठीक है जो इन मुश्किल जो लम्हात हैं उनको उन उनसे गुजरने में हमारी मदद करे यानी मतलब ये या कि जो कुछ हमें याद पड़ता है वो हमें बुला दे ऐसा कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है ऐसी कोई मेडिसन नहीं है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम जो हैं अपनी माजी को जो है वो भूल जाएं अगर हम माजी को भूल जाएँगे मेमोरी लास्ट हो जाएगी तो फिर हमें कोई इतनी जो महरूमियों का एहसास नहीं होगा अच्छा वनवर सैड इ ट्राइम ठीक है तो कहते हैं पोइट्री में ऐसी कभी को बात बताई नहीं गई है पोइट्री एक जो है ये वैल्यूएबल जो है आर्ट है लिटरेचर है इसमें बहुत सी बातें होती हैं तो कोई ऐसी पोएम नहीं गुजरी कोई ऐसी तहरीर नहीं गुजरी जिसमें ये बताया बताया गया हो ये आर्ट बताया गया हो कि हम जो कुछ हमने फील किया है वो अनफील हो जाए हमें उसका एहसास ना रहे हम उसको भूल जाए ठीक है कि नहीं तो ये जो है हमको एक अपने तौर तो पर यह कह रहे हैं इस सारी में ये कह रहा है कि पास्ट मेमोरीज हैप्पी मोमेंट्स ऑफ द पास्ट दे की टार्चरिंग इन अवर फ्यूचर हमें जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें हमें टार्चर करते रहते हैं और फ्यूचर में भी वो करते ही जाएंगे तो अगर यह जो है इफ़ वी डिस्ट्रेस्ट दि, ना हो अगर हमारी जो मौजूदा हालत ठीक नहीं है तो हम जो हैं अपनी खुशियों को याद कर करके कर 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 रोते ही रहेंगे और ये भी हो सकता है माजी में या पे वैसे तो इसके जो हैप्पी पास जो है उसने उसकी तरफ रेफर किया है ना उसे ब्रूक के लिए भी और उसने ट्री के लिए भी तो ये है मेमोरी वैसे ये भी कह सकता है कि शायर को मसलसल यह एहसास है कि पास्ट में भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी प्रेजेंट में भी नहीं अच्छी है और शायद मुस्कबिल भी अच्छी ना हो तो अगर खैर ये तो फिर यकसानियत हो देगी फिर तो इसको तक इसको परेशानी का एहसास नहीं होगा तो ये यहाँ पे वेरी um, स्ट्रॉगली वो कहता है दैपी मोमेंट्स ऑफ द पास्ट दे कीप अस रिंग इन प्रेजेंट जब हम उनसे महरूम हो जाते हैं uh, तो फिर है, जो है पोइट जो वह कहता है तो ये विंटर्स जो हैं बंदे को इनएक्टिव कर देते हैं uh, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है हमारे की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती है लोग घरों में जो हैं वो रह जाते हैं बाहर नहीं निकल पाते हैं दिन छोटे होते हैं ज़्यादा टाइम वक्त किताबें पढ़ के सो के गुजारते हैं तो इसके रेफरेंस में हम इस जो पोइट है इसकी पोएट्री में हमें मिलते हैं तो ये सारे जो हैं इसकी पोएम जो हैं आइए जैसे अभी थ्री स्टैंडर्ड हमने अभी देखे हैं तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है मैंने तो इस तरह की पहली दफ़ा देखी है ठीक है कि चारों पहले वाली जो हैं ए बी ए सी 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 डी तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है ये तीनों स्टैंड में वेरी ब्यूटीफुल और परफेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट अगर कोइट ने किया है कभी मैंने कहीं और इस तरह की कोई राइमिंग स्कीम नहीं पढ़ी बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं तो इस तरह की राइमिंग स्कीम नहीं आई बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैं ये नहीं कह कह पा रहा हूँ कि ये अच्छी नहीं है दिस इज़ वेरी गुड और इसका एक बहुत अच्छा म्यूजिकल सॉन्ग जो है वो बन सकता है इसको एक तरतीब लग सकती है तो दिस इज़ ऑन द होल वेरी ब्यूटीफुल और इसमें जो साइकोलॉजी है उसका यूनिवर्सलिटी भी है ठीक है ये भी इस पे भी इतराज नहीं किया जा सकता दैट इज वेरी एक्सेप्टेबल लोग हैं इसको मानते हैं ठीक है बेटा चले ये जो अब क्या करना पास्टीपर? है आ, पास्ट पेपर जी जी पास्ट पेपर जब आप स्टार्ट कर दें और वो लिख के मुझे भेज दें ताकि मैं आपको बता सकूं कि जी हैं इसमें अगर वो ऑलरेडी सब कुछ ठीक है तो मैं कह दूंगा हाँ ठीक है अगर उसमें वो कोई इम्प्रूवमेंट